नवाज शरीफ साहब को किसी एक घर में किसी एक जगह में उनकी वफ़ात होती है और कुछ जो शरीर लोग होते हैं, कोई शरारत करने वाले लोग होते हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उसका अलल ऐलान ये कर देती हैं कि मेरे जो वालिद अवैस भाई, जैसा कि कासिम भाई की ड्रीम्स में नवाज शरीफ के मुतलिक भी कुछ हैं इस तरह के ड्रीम्स, तो अभी जो सिचुएशन बन रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतलिक हुकूमत प्रेशराइज कर रही है, तो उनकी डेथ के मुतलिक जो ड्रीम है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? वो किस तरह होगा? क्या वाकई वो डेथ होगी या कोई उनका मर्डर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। अव्वल तो अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। चाहे किसी का कोई भी मामला हो, किसी भी तरह वो देखते हों, सोचते हों, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी को भी उनका बारे में इस तरह का मामला नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे के जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी डेथ को अल्लाह माफ़ करे कोई विश कर रहा है या कोई ये सोच रहा है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक न्यूज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमारे मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी है और जिनके बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये जो ख्वाब में दिखाया गया है मोहम्मद कासिम को, ये सब के लिए एक वार्निंग है, एक सिग्नल है कि जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में उस दौर के बादशाह को ख्वाब में दिखाया गया कि चंद दुबली गायें जो हैं, सात दुबली गायें सात मोटी गायों को खा रही हैं, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर इस ख्वाब की ताबीर बताई कि पहले कुछ खुशहाली के साल आएंगे और उसके बाद फिर कहत साली के साल आएंगे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज था जिसके ज़रिए से फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़जानची बनाया गया, ज़िम्मेदार बनाया गया, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर वो प्लानिंग की जिसके ज़रिए से फिर जो मुश्किल हालात हैं वो अहले मिस्र जो हैं वो उनसे बच पाए। तो इसी तरह का मामला यहाँ पर भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में मोहम्मद कासिम को दिखा दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब के साथ मामला कुछ ख़राब नज़र आता है मुस्तकबिल करीब में, कि उनके मोहम्मद कासिम के ख्वाब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को किसी एक घर में किसी एक जगह में उनकी वफ़ात होती है और कुछ जो शरीर लोग होते हैं, कोई शरारत करने वाले लोग होते हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उसका अलल ऐलान ये कर देती हैं कि मेरे जो वालिद हैं उनको कत्ल कर दिया गया, इन लोगों ने इनको मरवा दिया है। उसके बाद मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब ये मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी इसमें मैसेज है कि अल्लाह ना करे अगर ये मामला ऐसे होने वाला है तो क्यों होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये सोचें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा असाबकुम बिमुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। असल तो परेशानी और मुश्किल जो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे वो तो हुक्मरानों के लिए होंगे कि उनसे मामलात फिर संभाले नहीं जाएंगे, और साथ साथ ये अहले पाकिस्तान और अवाम के लिए भी होगा कि कोई भी मुसीबत और परेशानी तब तक तुम्हारे ऊपर नहीं आती जब तक तुम उसे अपने हाथ से नहीं कमा लेते। और ये मुल्की हालात का ख़राब होना, अफरा तफरी फैलना, हुकूमत के लिए तकालीफ और परेशानी का बढ़ना, ये सब कुछ हमारी किसी ना किसी कमी कोताही की वजह से हो सकता है। हमारे अंदर शिर्क की इकसाम मौजूद हैं, हमारे अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ मौजूद हैं, इस वजह से ये वाले हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल और ना ही इंशाल्लाह ऐसे होगा कि हुकूमत की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो, और ना ही मेरा ये ख्याल है कि कोई कोई भी एंटी जो अपोजिट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इस तरह की कोई हरकत करें। बल्कि ये मामला जो है नवाज शरीफ साहब का, उनकी वफ़ात, ये इसमें कोई बैरूनी हाथ हो सकता है, कोई शरारत हो सकती है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस
की सूरत में आने वाली परेशानी और मुश्किलात से दूर फरमाए, महफूज फरमाए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि उससे पहले ही हमारी आंखें खुल जाएं। नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये तो एक अलग मामला है, अल्लाह बेहतर जानता है कि यह मामला यहाँ होगा या वहीं लंदन में होगा या किसी और जगह होगा। लेकिन असल मामला ये है कि इसके अंदर ये मैसेज है। देखें, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह ने ख्वाब देखा था, उसका मतलब ये था कि 7 साल कहत के आएंगे, वो कहत के साल आए लेकिन लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, उनको गल्ला मुहैया था। जो पहले 7 साल थे उसके गल्ले को इस तरह से मैनेज किया गया कि बाद के 7 सालों में वो काम आया। तो यही मामला यहाँ पे भी हो सकता है, अगर हम अल्लाह ताला से तौबा कर लें और सही फैसला ले लें, जैसे उस दौर का जो हुक्मरान था, बादशाह था, हालांकि वो शायद मुसलमान भी नहीं था, उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदारी निभा दी, दे दी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई, वो लोग मुश्किल से बच गए। इसी तरह आज के दौर में भी अगर हमारे हुक्मरान, हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इस मामले को समझकर अच्छी डिसीजन लेते हैं और शिर्क का खात्मा करने की कोशिश करते हैं, मोहम्मद कासिम के ख्वाबों के मुताबिक अपने फ़ैसले करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मामले को आसानी में तब्दील फरमा देगा। तो नवाज़ शरीफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, वो पाकिस्तान में हों या जहाँ कहीं बाहर भी हों, वो हम नहीं चाहते कि चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, कोई भी हों, उनके साथ कोई तकलीफ़ और परेशानी का मामला पेश आए या उनकी वजह से आवाम के साथ कोई तकलीफ़ और परेशानी का मामला हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका अन नुश्रिका बिका शैअ व नअलम व नस्तग़फिरुका लिमा ला नअलम।